नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे हरितालिका तीज की कहानी। बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ माता पार्वती और शिव जी के विवाह की अनोखी कहानी, जो खुद शिव जी सुनाते हैं माता पार्वती को। तो तीज का व्रत हर औरत की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए तीज का व्रत रखती हैं, और ऐसी मान्यता है कि उन्हें बाबा भोलेनाथ जितना अच्छा पति प्राप्त होता है, सभी को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक बार हरितालिका तीज की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पूरा पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है बिना कथाएं सुने, बिना कहानियों का श्रवण किए कोई भी पूजा पाठ नहीं अच्छे से उसका फल प्राप्त होता है। चलिए अब आपको सुनाते हैं हरितालिका तीज की कहानी। हरितालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया। चलिए आपको सुनाते हैं माता पार्वती को शिव जी ने कैसे उनका पिछला जन्म याद दिलाया। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी को या कपा देने वाली ठंड तुम नहीं हटी और डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हारे इस विवाह के बारे में तुम्हें पता चला तो तुम अत्यधिक दुखी हुई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हें दुख अवस्था का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय की कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी, उसने कहा, प्राण छोड़ने का क्या कारण है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जैसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है, और वहाँ जाकर तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़ी चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में अपनी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा, और तुमने वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथा अस्तु कहा और मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए उस वन में पहुंच गए। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली
प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हो। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस तरीके से कथा पढ़ के विधि विधान के साथ और निर्जल उपवास रख के जो भी स्त्रियां व्रत करती हैं उनकी सभी इच्छाएं संदेह है पूरा करता हूँ। इस व्रत से जुड़ी एक और मान्यता है, इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध बताया गया है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात ही श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए तो उनका जलाशय में विसर्जन करें और खीरा खाकर व्रत को संपन्न करें। कहीं कहीं चने को अखड़े चने को खा करके भी व्रत का समापन करते हैं। चने को खाते नहीं हैं, चने को लीलते हैं, जिससे कि खड़े चने को लीला जाता है, गटका जाता है जिसे बोलते हैं, वैसे भी बहुत सारे लोग करते हैं। और कई कई जगह पे रात्रि को ही अगर आपका व्रत टूट गया है तो रात्रि को ही जल पी लेते हैं, अन्यथा ये पूरे 12 घंटे का निराजल उपवास होता है। बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपवास को करना चाहिए। आज के दिन अपने पति से या किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिष्ठान या कोई भी पदार्थ को खाना नहीं चाहिए। जल पीना भी इस व्रत में मना किया गया है। ये कठोर व्रत जी समान पति देने वाला है, इसलिए इसे सभी स्त्रियां बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं। अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप शिव जी से क्षमा मांग लीजिए। अगर किसी कारणवश आपका व्रत बीच में ही खंडित हो जाता है तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है और एक बार खंडित होने के बाद अब आपको हर बार जल पीना ही चाहिए, ऐसा बताया गया है। बीमारीवश या किसी कारणवश आपका व्रत खंडित हुआ है, कभी कभी कोई महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं तो डॉक्टर की सलाह लेकर के ही वो तीज का व्रत करें। एक दिन पहले व्रत का संकल्प करने से पहले आप रात्रि को उठ कर के नारियल पानी या कोई ऐसा सामान जैसे कि इलेक्ट्रोल पाउडर हुआ, रसगुल्ला हुआ, ये सारी चीज़ें खा करके आप पानी पी लीजिए। बहुत जगह लोग अच्छे से खाना खाते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं, उसको खाने का समय ये रहता है कि सूर्योदय ना हुआ रहे, मतलब सूर्य उदय ना हुए रहे तभी आपको खाना है, और अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त हमने बता दिया है आपको। इस बार तृतीया तिथि पहले ही लग जा रही है तो आप ब्राह्मण से पूछ करके ही अपना व्रत करें। आज की दी हुई जानकारी यहीं पे संपन्न होती है। दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें, हम जल्द से जल्द उसकी रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।